हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई, और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेजोन की तरफ से। अमेजोन हायरिंग कर रहा है JAI कैंपस 2023 PET के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, स्किल्स क्या मांगी हुई है, एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। ठीक है, क्या वर्क प्रोफाइल आपका रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसमें। ओके, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल रिटन एंड वर्बल, एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद ऑल कस्टमर्स, एक्सलेंट डॉक्यूमेंटेशन स्किल, गुड कॉम्प्रिहेंशन स्किल, एबिलिटी टू क्लियरली अंडरस्टैंड एंड स्टेट द इश्यूज कस्टमर प्रेजेंट, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट फॉलो कस्टमर इशू विदाउट डिस्ट्रैक्शन टू रिजोल्यूशन, गुड कंपोजिशन स्किल, एबिलिटी टू कंपोज अ ग्रामेटिकली करेक्ट कंसाइज एंड एक्यूरेट रिटन रिस्पॉन्स, वर्क सक्सेसफुली इन अ टीम इन्वायरमेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंटली। तो जिस तरह से ये स्किल्स की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर रिटन एंड वर्बल दोनों वर्क कर रहा है, मतलब आपको कॉल वगैरह का भी काम हो सकता है और साथ में रिटर्न भी यानी कि मेल वगैरह के थ्रू भी काम हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। कंप्यूटर नॉलेज स्किल में क्या क्या मांगा गया है, एबिलिटी टू यूज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, फैमिलियरिटी विद विंडोज XP, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सेलेंट टाइपिंग स्किल्स। देखिए यहाँ पर टाइपिंग की बात की, इसका मतलब आपका रिटर्न वर्क रहने वाला, जैसे कि सबको कॉलिंग पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न वर्क भी मतलब टाइपिंग से रिलेटेड वर्क, जैसे सपोज की ईमेल को रिवर्ट करना है आपको, ठीक है, या KYC चेक करनी है, ठीक है, कुछ KYC से रिलेटेड कुछ काम हुआ है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपका टाइपिंग से भी रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेट amazon.com वेबसाइट एंड कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स, डिमॉन्स्ट्रेट एन एबिलिटी टू सक्सेसफुली नेविगेट वेबसाइट्स, डिमॉन्स्ट्रेट अ प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ ईमेल एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ ईमेल एप्लीकेशन, या जैसा मैंने आपको कहा आपको ईमेल वगैरह से रिलेटेड वर्क करना होगा। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट एन एबिलिटी टू लर्न इन वेरियस मीडिया, एबिलिटी टू सक्सेसफुली अडॉप्ट टू चेंजेस इन द वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देता है कस्टमर फोकस, तो आपको कस्टमर फोकस होना पड़ेगा। ठीक है, एक्सलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स इंक्लूडिंग मेंटेनिंग फोकस ऑन द कस्टमर इश्यूज इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद एंड प्रायोरिटाइज कस्टमर नीड्स, डिमॉन्स्ट्रेट्स इंटरपर्सनल स्किल्स विद अ डाइवर्स कस्टमर बेस, डिमॉन्स्ट्रेट्स कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, नेगोशिएशन एंड डी स्केलेशन स्किल्स, डिमॉन्स्ट्रेट ओनरशिप टू रिजॉल्व चैलेंजिंग कस्टमर इश्यूज, स्केलेटिंग व्हेन नेसेसरी, एबिलिटी टू डिटरमाइन कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, मेंटेन रेगुलर एंड रिलायबल अटेंडेंस इंक्लूडिंग द डेली शेड्यूल एज असाइंड, फ्लेक्सिबल विद द वर्किंग शेड्यूल, मे बी एक्सपेक्टेड टू वर्क वीकेंड्स, हॉलीडेज एंड इवेंट्स। ठीक है, तो आपको हॉलीडेज एंड इवेंट्स में भी आपको काम करना पड़ सकता है, बिकॉज कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है कि आपको वीकेंड्स में भी काम करना पड़ता है, बिकॉज ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड वीकेंड्स लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो उस वक्त ऐसे जो ऑन साइट जो आपकी हैं ये शॉपिंग के जो ये हैं ऑन साइट जो हैं ये सारी चीज़ें, उस पर कस्टमर सपोर्ट वगैरह का वर्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, फिर रहते हैं वीक्स सराउंडिंग द क्रिसमस हॉलीडे सीजन, तो जैसे क्रिसमस को हॉलीडे रहता है तो भी आपको काम करना पड़ सकता है, एबिलिटी टू वर्क ओवर टाइम एज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस एज मच एज 60 आवर्स अ वीक। तो देखिए आपको एक वीक में आपको 60 आवर्स आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि एबिलिटी टू वर्क ओवर टाइम एज रिक्वायर्ड, तो एज रिक्वायर्ड है तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ ही करना पड़े, अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो आपको ओवर टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60 आवर्स इन अ वीक आपको करना पड़ सकता है, मोस्ट ऑफन ऑकरिंग इन द वीक्स सराउंडिंग द क्रिसमस हॉलीडे सीजन, मतलब क्रिसमस ड्यूरिंग द क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस का इन्होंने इसलिए लिख रखा है बिकॉज ये आपके जो है ग्लोबल कंपनी है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि और भी कोई जो फेस्टिवल होगा, सपोज कि इंडियन फेस्टिवल हो गया, होली हो गया, ठीक है, तो आपको होली
के समय में भी आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड इमीडिएट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क एज असाइंड, एबिलिटी टू अप्रोच प्रॉब्लम लॉजिकली एंड रैशनली, फिर आता है एक्शन ओरिएंटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिटेल ओरिएंटेड, एबिलिटी टू क्विकली एंड इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज वर्क टाइम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स टू मीट बिजनेस नीड, एबिलिटी टू मेंटेन कंपोजर इन हाईली एस्केलेटेड सिचुएशंस। क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कंफर्टेबल इन अ मल्टीटास्किंग हाई एनर्जी एनवायरनमेंट, दे विल बी क्रिएटिव एंड एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स विद अ पैशन फॉर एक्सलेंट कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो ये जैसे कि कह रहे हैं कि आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। सपोज कि कस्टमर सपोर्ट का आपको वर्क मिलता है तो आपको मेल के थ्रू भी जो वर्क आते हैं वो भी सॉर्ट आउट करने होंगे। ठीक है, कॉल वगैरह आती है तो उसको भी सॉल्व करनी होगी कि क्या है, क्या मैटर है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग आपका वर्क रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगी हुई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2, एनी ग्रेजुएट पीजी इज एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब इंटरमीडिएट कैन अप्लाई। ठीक है, एक्सपीरियंस का कहीं कोई भी जिक्र यहाँ पे इन्होंने नहीं कह रखा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी। ठीक है, तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।